हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। डीएम और एसएसपी ने किया जिला जेल व बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण, भ्रमण कर लिया लॉकडाउन की स्थिति का जायजा, लोगों को घरों में रहने की अपील। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कृषि कार्य के लिए किसानों को नहीं है पास की जरूरत, करें निश्चिंत होकर अपना काम, किसी आपदा से निपटने के लिए तैयार है जिला प्रशासन। लॉकडाउन के दौरान गरीब जनमानस को भोजन खाद्यान्न उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है जिला प्रशासन, झूठी जानकारी सूचना और अफवाह फैलाने वालों पर FIR दर्ज कराने की भी कसी कमर। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कम्युनिटी किचन द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को लगातार दी जा रही है मदद, जानवरों और कुत्तों को भी दिया जा रहा है आहार, जिससे ना हो किसी को दिक्कत। लॉकडाउन में असहाय व गरीबों मजदूरों की सहायता के लिए इमामबाड़ा स्टेट भी आया सामने, किया भोजन का वितरण। महावीर जयंती पर जैन समाज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 2,63,900 रुपए। महावीर जयंती में खर्च होने वाली धनराशि को कोरोना पीड़ितों के लिए किया गया दान। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन तक गल्ला और पशुओं के चारे के दामों को किया फिक्स, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। तहसील सदर परिषद के कैंटीन में बनाया गया एक और किचन, जिससे मिल सके मुसहर समाज व ग्रामीण क्षेत्रों और क्वारंटाइन किए गए लोगों को भोजन, सदर तहसीलदार ने कहा जरूरतमंदों को मिलेगी राहत। शासन और प्रशासन ने किसानों को अपने कृषि कार्य करने की दी पूरी छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की कटाई हुई चालू। लॉकडाउन के दौरान महेवा मंडी के थोक फल सब्जी व्यापारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 200 पैकेट राहत सामग्री किया गया वितरित, जिससे जरूरतमंदों को मिल सके राहत। और लॉकडाउन के दौरान सोमवार को भी महानगर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, फोर व्हीलर गाड़ियों का पुलिस ने किया नंबर नोट।